बिलाईगढ़ में एक बार फिर गांजा तस्करों को पौनी मेन रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। गांजा को होंडा सिटी में ले जा रहा था, जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे क्राइम ब्रांच और बिलाईगढ़ पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद पकड़ने में कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी एमपी के हैं और इन्हें फोन के माध्यम से चंद्रपुर बुलाया गया था। 58 पैकेट 57 किलो गांजा देकर भेज दिया गया था, जिनका नाम रत्नेश यादव, धर्मेंद्र मेहरा जो कि दमोह का है और एक आरोपी राकेश झाड़िया जबलपुर का बताया जा रहा है। साथ में इनके पास से 3 नंबर प्लेट भी मिले। पुलिस धारा 20 बी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर रही है। ये जो है गांजा उड़ीसा से इन लोग कहीं से लेकर आते हैं। इनका कहना है कि उधर से कोई इनको ला करके दिया है रास्ते में, और हम लोग को ये बात की सूचना क्राइम ब्रांच को लगा था, उसके आधार पर हम लोग फिर संयुक्त टीम बनाकर घेराबंदी करके, इसमें पहले से घेराबंदी करके रखना पड़ता है, तो उस आधार पे रात से ही हम लोग लगे हुए थे। और इस कार्यवाही के दौरान फिर इनको पौनी मोड़ बोलते हैं, जो हमारे मुख्य मार्ग है गिधौरी पौनी मार्ग, उस जगह पे इन्होंने एक तो इन लोग गाड़ी रोक कर भागने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग काफ़ी घेराबंदी किए हुए थे अलग अलग, तो अपने क्राइम के लड़के लोग घेराबंदी करके अलग अलग जगह छुपे हुए थे, सब मिलकर फिर इसको पकड़ लिए। और उस आधार पर फिर जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम लोग अपने तलाशी की करवाए, उसके बाद इन्हीं आरोपी से अपने तलाशी कराने के बाद फिर इनके हम इनके गाड़ी तलाशी के दौरान इन प्लास्टिक बोरी में, दो प्लास्टिक बोरी में भरा था जो चलने के दौरान उसी निकला हुआ था, तो 57 पैकेट है और बोरा सहित तौलने से वो 58 आ रहा है पैकेट, 57 पैकेट माल बरामद हुआ है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, माल पकड़ा गया वो बोरी खुला हुआ था कि बंद था? एक बोरी खुला हुआ था, पहले ही तो बता दिया वो बात को। कहाँ के रहने वाले हैं इन लोग? ये जो है सब एमपी के हैं, अपना पता इन लोग बता रहे हैं। एक है रत्नेश यादव और धर्मेंद्र मेहरा, ये दोनों दमोह के रहने वाले हैं, और राकेश झाड़िया जो है जबलपुर, तीनों मध्य प्रदेश स्टेट के बता रहे हैं। और गाड़ी में और कुछ मिला है क्या गांजा के? नहीं, गाड़ी है होंडा सिटी गाड़ी, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अलग अलग नंबर प्लेट से इन लोगों ने लगाया है, परंतु अब हम इसके 33 नंबर के आधार पर इनका जाँच करेंगे कि वास्तविक नंबर इसका क्या था। आए दिन क्षेत्र में गांजा तस्करें हो रहे हैं, सर क्या करना चाहते हैं? गांजा तस्करी हो रहा है तो हम उसे होशियार हम लोग भी हैं, हम पकड़ने में मुस्तैद हैं, फिर भी पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा। जब जब पार होगा हम लोग पकड़ लेंगे भाई। क्या क्या धारा लगाएं? और एनडीपीएस 20 बी की धारा लगेगी, और ऐसा अगर होता है तो मेरे तरफ चैलेंज है कि जब जब पार करेंगे मैं पकड़ूंगा। क्लिपर 28 के लिए बिलाईगढ़ भटगांव से योगेश के सरवानी की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.